कुंजी वड़ा, वॉटरफॉल या फिर तोराबू भी आप कह सकते हो। पुष्पा 2 मूवी के शूटिंग सेट, ठीक है, यहाँ पे पुष्पा 2 मूवी अबाउट 2 से 3 मंथ का शूट हुआ। आपको वॉटर बोटिंग करने मिलेगा, आपको मोटर बोटिंग करने मिलेगा, आपको मतलब आइलैंड में जाके रुक सकते हो, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप वहाँ पे रिजॉर्ट मिलेगा, आपको नाइट स्टे कर सकते हो, वहाँ पे आपको इको पार्क मिलेगा आने में गुरुप्रिया सेतु। अब गुरुप्रिया सेतु किस लिए बना है उसका एक स्टोरी है जो कि मैं आपको उस वाले वीडियो में ही बताऊंगा। पुष्पा मूवी का शूट हुआ था, एक हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है, शिव जी का एक मंदिर है ऊपर, यह माना जाता है कि यहाँ पे जो है माता सीता पूजा करते थे। घूम सकते हो चित्रकुंडा वैली में, चित्रकुंडा वैली बहुत ही बढ़िया वैली है, आपको एक एक जगह एक एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, इस वाले वीडियो में मैं आपको मलकानगिरी के टॉप 10 जगह के बारे में बताऊंगा एंड दिखाऊंगा भी जहां पे आप घूम सकते हो। खाली यहां के लोग नहीं घूम सकते, अगर आप बाहर से आ रहे हो, इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो, तो वो जगह आप देख सकते हो, देखने लायक जगह है, क्योंकि डायरेक्ट वो हमारे इपिक्स है, जैसे रामायण महाभारत के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है थे, वो सारे जगह मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ जो है एंटरटेनमेंट के जगह भी होंगे। तो कुछ होने वाले आपके हिस्ट्रिकल प्लेसेस एंड कुछ होने वाले आपके एंटरटेनमेंट प्लेसेस। तो टॉप 10 जगह, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जगह हैं जिसका मैं आपको जिक्र करूंगा इस वाले वीडियो में। तो दिल थाम के बैठो, 10 जगह ऐसा बताऊंगा जो आप अगर आप मलकानगिरी में रह रहे हो एंड अगर आप उस वाले जगह नहीं गए तो आप ज़रूर से एक बार जाना, ठीक है। एंड देखो भाई, बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखता हूँ जो कि विदेशों में जाके दिखाते हैं, भाई हमारे यहाँ पे जो चीज़ है ना विदेशों में वो चीज़ भी नहीं है, खाली वो विदेशों में गली में घूम रहे वही वीडियो बना रहे एंड लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसका मुझे समझ नहीं आता कुछ भी, क्या देख रहे हो भाई। मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा एक्सप्लोर करा जाए अपने मलकानगिरी को, क्योंकि मैं मलकानगिरी से आता हूँ, तो मलकानगिरी को पूरा एक्सप्लोर करा जाए। एंड भाई जो भी इस वाले वीडियो को देख रहा है वो शेयर ज़रूर से करना, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेस हमारे यहाँ पे है तो ये सबके जो है आँखों में आना चाहिए। एंड स्पेशली मैं मलकानगिरी वालों से कहूँगा, हमारे मलकानगिरी के जो भी लोग देख रहे हैं ना प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं, YouTube पे देख रहे हो, Facebook पे देख रहे हो, कहीं पर देख रहे हो, लेकिन शेयर ज़रूर से करना ताकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जाने, यहाँ पे आए, हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़े। तो रहना खाना पीना वगैरह सब कुछ, कम्युनिकेशन सब कुछ मैं आपको एंड में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेस के नेम से एंड प्लेसेस हमारे मेरे पीछे आप देखते भी रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मलकानगिरी के बारे में जानते हैं। मलकानगिरी का अपना एक हिस्ट्री है, तो सबसे पहले ये मलकानगिरी हुआ नहीं करता था। जब 1936 में उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट हुआ तब कोई मलकानगिरी नहीं था, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट था। कोरापुट में मलकानगिरी नवरंगपुर 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डिस्ट्रिक्ट कोरापुट हुआ करता था। सन 1992 में मलकानगिरी अलग हो जाता है, मतलब कोरापुट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नवरंगपुर, कोरापुट एंड मलकानगिरी, तो वहीं से मलकानगिरी शुरू होता है। लेकिन जो मलकानगिरी का नेम है ना वो पहले से ही था, बट कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था। मलकानगिरी यहाँ पे नेम किस तरीके से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे छोटा एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था मलकानगिरी। अब मलकानगिरी कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगल था, पुराणों में लिखा हुआ है चारों ओर जंगल है, लेकिन बीच में एक राजा रहते थे। ये एरिया पूरा पहाड़ हुआ करता था एंड पहाड़ों के ऊपर ना बहुत बड़े बड़े मतलब राक्षस टाइप लोग रहते थे, मल्ल योद्धा जो कहते हैं ना, मल्ल योद्धा मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो योद्धा होते हैं ना, वो सारे सैनिक रहते थे ऊपर, ठीक है, मतलब राक्षस टाइप के थे, वो राक्षस नहीं थे बट उन राजा के वो थे, ठीक है। तो वो पहाड़ों में रहते थे, जब कभी भी राजा के ऊपर कोई भी आपदा पड़ती तो वो मल्ल योद्धा आते और राजा को डिफेंड करते, ठीक है। तो उन मल्लों के नाम से ना इसको कहा गया माल्यवंतगिरी, माल्यवंतगिरी, माल्य मल्ल योद्धा के नाम पे मल्ल और गिरी का मतलब पहाड़, तो पहाड़ों में जो मल्ल योद्धा रहते थे ना, तो उसी हिसाब से इस वाले नगरी का नाम हो गया
माल्यवंत गिरी। ठीक है, माल्यवंत गिरी बहुत दिनों चलने के बाद धीरे 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 उसका नेम माल्यवंत गिरी से मलकानगिरी हो गया। ठीक है, जब वो डिस्ट्रिक्ट बना फिर मलकानगिरी, उससे पहले ही मलकानगिरी बन चुका था। सो अभी चलो मैं आपको 10 जगह का नाम बताता हूँ और वहाँ की हिस्ट्री भी बता देता हूँ, एंड साथ ही साथ आप मेरे बैकग्राउंड पे देख पाओगे उस वाले जगह का सीन। ठीक है, सो प्लेस नंबर 1, गुंजीवाड़ा वाटरफॉल या फिर तोराबू भी आप कह सकते हो। इतना मस्त वाटरफॉल आपने कभी देखा नहीं रहेगा। इंडिया में बहुत ही कम जगह है जहां पे इस टाइप का वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हो, तो गुंजीवाड़ा फॉल का भी एक हिस्ट्री है। ओडिशा आंध्रा के बॉर्डर में है एंड वहां पे रहते थे एक राजा जिसका नेम था गुज्जर। अब वो डेली क्या करते थे, जंगल में जाते थे शिकार करने, एंड डेली बेसिस पे वो उस वाले झरने पे जाएंगे, उस वाले फॉल पे जाएंगे एंड वहां पे बैठेंगे, पानी पिएंगे, वहां से नहाना धोना सब कुछ करके उस गुज्जर राजा के नेम से, क्योंकि वो डेली जाते थे वहां पे, तो उस वाले गांव का नाम पड़ा गुंजीवाड़ा। ठीक है, एंड गुंजीवाड़ा के नजदीक पे क्योंकि वो वाटरफॉल है तो उस वाले वाटरफॉल का नाम भी गुंजीवाड़ा वाटरफॉल हो गया। गांव के नाम से वाटरफॉल का नेम जो है गुंजीवाड़ा वाटरफॉल हो गया। एंड बाय द वे उस वाले वाटरफॉल का और एक नाम भी है जो कि है तोराबू। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पर्सनल वीडियो आएगा ज़रूर से, मैं आपको फुल्ली गाइड कर दूंगा मलकानगिरी के पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप कैसे जा सकते हो। ठीक है, चलते अपने दूसरे नंबर प्लेस पे। प्लेस नंबर 2, पुष्पा 2 मूवी के शूटिंग सेट। ठीक है, यहाँ पे पुष्पा 2 मूवी अबाउट 2 से 3 मंथ का शूट हुआ। 2 से 3 मंथ पूरा जंगल का जितने सारे सीन वगैरह है ना पुष्पा 2 मूवी में आप देखोगे। बाय द वे पुष्पा 2 मूवी के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने चंदन का लकड़ी पत्थर से लेकर हुई हुंका से लेकर, मतलब हुई का जो रहता है ना वो से लेकर, मतलब सारा कुछ मैंने उसमें सच्ची में पुष्पा मूवी के चीजें बंदूक वगैरह सब कुछ उठा के आपको दिखाया हुआ है। वीडियो आपको देखना है ना एंड स्क्रीन पे मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आई कार्ड पे भी मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट करना। ठीक है, तो वहां पे पोलूरू पे आप जा सकते हो, मस्त जगह है, नदी के किनारे पूरा एरिया घूम सकते हो, एकदम नेचुरल ब्यूटी भरा पड़ा है। ठीक है, तो उस वाले जगह में जरूर से आप जा सकते हो। तो इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, खाली आप एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पुष्पा 2 मूवी का शूटिंग हुआ था, कुछ मतलब वहाँ पे चिन्ह वगैरह भी है, आप में से कोई भी आना चाहता है आ सकता है, मैं उसको गाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड तीसरे नंबर पे आप जा सकते हो, सेम पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 दोनों मूवी का ही शूट हुआ था। करीब यहाँ से हमारे ओडिशा से 8 किलोमीटर मतलब आंध्रा के भीतर आपको मिलेगा पुष्पा 2 एंड पुष्पा 1 का शूटिंग प्लेस जो कि 4 बे डैम है। एंड 4 बे डैम में भी हुआ है, वहाँ पे देखो एक सॉन्ग था छामे छामे सॉन्ग, ऐसा कुछ सॉन्ग मैच जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो वो वाला सॉन्ग जो हुआ था ना वहाँ पे शूट हुआ था, उस वाले डैम पे शूट हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जाके एक पर्सनल वीडियो बना के दिखाऊंगा। एंड साथ ही साथ उसी के थोड़ा सा आगे जाओगे एक आपको एक ब्रिज मिलेगा जो कि लॉन्ग ब्रिज, जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट भी बना के आपको दिखाया हुआ है, हालांकि उसके ऊपर फुल डेडिकेटेड वीडियो भी आ जाएगा कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो उस वाले ब्रिज पे ना वो पुष्पा 1 में क्या होता है ना पैसे देता है, 5,000 रुपये देता है, किसके लिए, गाड़ी में, आपको पता रहेगा, आप सीन देख पा रहे हो। ठीक है, तो वो ना हीरोइन वगैरह उनके साथी लोगों के साथ आते हैं, तो ये वो ब्रिज, उस वाले ब्रिज में भी आप जा सकते हो। मैं इस ओनली ओडिशा बॉर्डर से आंध्रो में 8 किलोमीटर डिस्टेंस में है, वहां पे भी आप जा सकते हो। नंबर 4, सतीगुड़ा इको पार्क। अब सतीगुड़ा इको पार्क में आपको बहुत सारे चीजें करने के लिए मिलेगा, आपको वाटर बोटिंग करने मिलेगा, आपको मोटर बोटिंग करने मिलेगा, आपको मतलब आइलैंड में जाके रुक सकते हो, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे रिजॉर्ट मिलेगा, आपको नाइट स्टे कर सकते हो, वहाँ पे आपको इको पार्क मिलेगा, तो आई मीन भरपूर एंजॉयमेंट वहाँ पे है। एंड वहाँ पे बाय द वे एक मंदिर है जो कि 2-3 हजार साल पुराना मंदिर है, एक ना केव था। ठीक है, एक केव के अंदर महाकाल की मूर्ति है एंड वहाँ पे बरसों से पूजा हो रहा है, जब मैं छोटा था तब से मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन अभी के टाइम में वो वाला केव है ना, केव को, गुफा को थोड़ा सा रिनोवेशन करके एक मंदिर टाइप का कर दिया गया, तो वहाँ पे भी जाके आप हिस्ट्रिकल मंदिर देख सकते हो 2000 साल पुराना। आप जा सकते हो जोदूगुड़ा मंदिर, शिव टेम्पल, और साथ साथ जोदूगुड़ा इको पार्क भी आप जा सकते हो। अब जोदूगुड़ा में है क्या, ऐसे जो महाकाल टेम्पल है ना, महाकाल मंदिर है, शिव मंदिर है ना, माना जाता है महाभारत के पांडु लोग, पांडु 5 भाई जब यहाँ पे
वनवास में आए थे तो यहाँ पे आए थे और वहाँ पे मतलब उस जदुगुड़ा में रह रहे थे। एंड वहाँ पे क्या हुआ था, वो भगवान भोलेनाथ को वहीं पे पूछते थे जहाँ पे मंदिर है ना अभी, वहाँ पे पूछते थे। तो महाभारत का मंदिर भी यहाँ पे है, ठीक है। तो जोदुगढ़ा में जाओगे तो शिव मंदिर को आप देख सकते हो, साथ साथ जो है उसके साइड में आपको एक इको पार्क भी मिलेगा, वहाँ पे भी आप घूम सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप जा सकते हो बोंडा हिल। बोंडा हिल जाने के लिए आपको मलकानगिरी से खोइरपुट जाना पड़ेगा, खोइरपुट से आपको मुदरीपड़ा जाना पड़ेगा, वहाँ से आप जा सकते हो 15-20 किलोमीटर में आपको बोंडा हिल मिलेगा, बोंडा पहाड़। बोंडा बोले तो एक कम्युनिटी है यहाँ पे, ठीक है। एंड वो लोग ना बहुत यहाँ के सबसे पुराना कम्युनिटी है, ठीक है। दे आर स्टेइंग विदाउट क्लोथ्स, इवन जो ओमेंस होते हैं ना वो बेड़िया पहनते हैं। बेड़िया बोले तो ऐसे रिंग टाइप का ना, रिंग टाइप का ऐसे जकड़ जकड़ के, मतलब पूरा एकदम बॉडी में ना पूरा रिंग रहेगा, रिंग और माला रहेगा, पूरा माला रहेगा, पूरा बॉडी में माला रहेगा, नीचे ऊपर हाथ में पैर में चारों और, नो क्लोथ विदाउट क्लोथ एकदम पूरा रिंग रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप का वो रहते थे। लेकिन अभी क्या कर, वो बोंडा कम्युनिटी बहुत ही डेवलप कर चुका है। एंड अभी बाय द वे OPSC में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब हमारे स्टेट PSC जो होते हैं ना, तो PSC में वो क्वालिफाई करके बड़े बड़े पोस्ट पे, वीडियो वगैरह के पोस्ट पे, तहसीलदार वगैरह के पोस्ट में वो रह रहे हैं। तो मतलब बहुत ही डेवलपमेंट कर चुका है, उनका मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। वहां पे अगर आप जाओगे उस वाले हिल में जाओगे, जितने सारे एजुकेटेड हो गए वो सारे के सारे हिल छोड़ के अभी नॉर्मल एरिया में आके रहते हैं, बट वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनका कल्चर अभी भी सेम उसी टाइप का थोड़ा मतलब मिलता है। तो अगर आप आओगे वहाँ पे, जाना भी एक टाइप का एडवेंचर ही होगा, इतना एडवेंचरस होगा आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते। कुछ ही साल पहले गया हुआ था वहाँ पे एंड घूम के आया। बाय द वे अभी मैं आपको मतलब आपके लिए वीडियो बनाने के लिए फिर जाऊँगा, ठीक है। वीडियो जरूर से देखना, लेकिन वीडियो को, इस वाले वीडियो को शेयर करो। सातवें जगह आप जा सकते हो जहां पे फिर से पुष्पा मूवी का शूट हुआ था, एक हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है। एक हैंगिंग ब्रिज है, बहुत ही ऊपर है वो ब्रिज, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको डर सा लगेगा नीचे देखने के लिए। तो वो हैंगिंग ब्रिज में भी आप घूम सकते हो। बाय द वे उसका कोई स्टोरी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। आप जा सकते हो, घूम सकते हो। अगला जो प्लेस होगा हमारा, वो रिसेंटली बनाया गया एक ब्रिज है, उसका नेम है गुरुप्रिया सेतु। अब गुरुप्रिया सेतु किस लिए बना है, उसका एक स्टोरी है जो कि मैं आपको उस वाले वीडियो में ही बताऊंगा। मैंने वहां के लोकल से पूछा था तो उन्होंने ये वाला स्टोरी मेरे को बताया था, जो कि ऑलरेडी उसका वीडियो शूट हो चुका है और कुछ ही दिनों में चैनल पे आ जाएगा, आप जरूर से देखना। गुरुप्रिया सेतु आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतना बढ़िया, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ मलकानगिरी। गुरुप्रिया सेतु भी आप जा सकते हो घूम के, उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। नंबर 9 पे है मल्लिकेश्वर मंदिर। मल्लिकेश्वर मंदिर बोले तो शिवजी, ठीक है। तो शिवजी का एक मंदिर है ऊपर, यह माना जाता है कि यहाँ पे जो है माता सीता पूजा करते थे। एंड ये ना मलकानगिरी से कुछ जो है 2 किलोमीटर डिस्टेंस में है, वहाँ पे बड़े, मलकानगिरी पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। एंड उस पहाड़ में, पहाड़ के ऊपर एक लिंग है, शिवलिंग, ठीक है। जब छोटा था तो मैं जब देखा था छोटा, तो लिंग भी बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वो लिंग इतना बड़ा आकार ले लिया, बहुत बड़ा हो गया। इससे पहले वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जो लोग जाना स्टार्ट किए, तो सरकार देखती है कि मतलब लोग जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करा गया, वहाँ पे ना एक मंदिर बना दिया गया है। एंड अभी तो भाई सीढ़ी वगैरह सब कुछ बन चुका है पहाड़ों में चढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ भी जा सकते हो, एंड वो हिस्ट्रिकल मंदिर है, आप जा सकते हो, माता सीता के जमाने से वहाँ पे है। साथ साथ आप जो मैंने आपको बताया ना कि बोंडा पहाड़ों, तो बोंडा हिल में जाने से पहले ना मतलब रास्ते में ही पहाड़ों, पूरा घाटी एरिया से आपको जाना पड़ेगा, तो घाटी में ही आपको सीता कुंड पड़ेगा। सीता कुंड बोले तो माता सीता वहाँ पे भी रहे थे कुछ दिन, और वहाँ पे ना एक कुंड टाइप का है, एक मतलब वेल टाइप का है, वहाँ पे पत्थर के कुंड है, ठीक है। तो वहाँ पे माता सीता नहाते थे, ऐसा बोला जाता है पुराणों में है, ठीक है। आप जाके सीता कुंड को भी देख सकते हो, जिसका पानी ना चाहे जितना गर्मी हो, जो भी हो, वो कम नहीं होता, कभी सूखता नहीं है। एंड द लास्ट वन, आप घूम सकते हो चित्रकुंडा वैली में। चित्रकुंडा वैली बहुत ही बढ़िया वैली है, कभी भी अगर आप ठंड के दिन आओगे ना, तो वहाँ पे घूमना एकदम इतना मस्त रहेगा। और बाय द वे गर्मी के दिन भी आओगे ना, तो उस वाले वैली में आपको टोटली कोई गर्मी का महसूस होगा ही नहीं। एक जगह ऐसा है जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे माँ कामना देवी है, जहाँ वहाँ पे जाके
कुछ भी मन्नत मांगो, और एक ना एक पत्थर को आपको बांध के आना पड़ता है पेड़ में, एंड वहाँ से आपके मनोकामना पूर्ण पूर्ण हो जाता है, और फिर जाके आपको कोई सा भी एक पत्थर खोलना होता है, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत सारे प्लेसेस है, आप जा सकते हो, घूम सकते हो। तो आगे आने वाले सारे वीडियोस में आपको एक एक जगह, एक एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, जरूर से चेकआउट करना। जो भी मेरे मालकानगिरी से देख रहे हो, जल्दी से वीडियो को शेयर करो, खाली शेयर करो एंड शेयर करो। आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल नहीं रहा हूं, आप शेयर करो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो, आप शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो। एंड बाय द वे, अगर आप आ रहे हो तो आपको गाइड करने वाला बहुत सारे लोग है, एंड यहाँ पे कोई खर्चा होगा ही नहीं, बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप यहाँ पे घूम के जा सकते हो। अगर आप 10,000 रुपए लेके भी मलकानगिरी में आते हो तो 5-6 दिन 10 दिन आप बिंदास रह के जा सकते हो, ठीक है, बिंदास, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सारे चीज़ें आपको सस्ता मिल जाएगा, तो आप आराम से आके घूम सकते हो, फिर सकते हो। ऑटो की कमी नहीं है, कहीं पर भी जाओ ऑटो मिल जाएगा, या फिर किसी को भी बोलो वो हेल्प कर देगा। थैंक यू, साइन।